ब्लड डोनेशन कैंप यही लगा था जहां हम लोग ठहरे हुए हैं। और मैंने सोचा कि लास्ट टाइम मैंने जब ब्लड डोनेट किया था तो लास्ट डॉक्टर डे मेरे पास जुलाई 2019 को, तो एक साल हो गया था। तो मैंने सोचा कि ब्लड डोनेट कर लूँ। ब्लड डोनेशन से आप चार लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हो। और ये जो धारणा होती है कि ब्लड डोनेशन से जो है कमजोरी आ जाती है, या फिर ये जो सोचना होता है कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आ जाती है, ये एकदम गलत है। और हर 6 महीने 3 महीने के बाद आप मतलब आप जब भी ब्लड डोनेट करते हो आपकी बॉडी को खुद जो है 3 महीने में ही जितना ब्लड आप डोनेट करते हो करीब 250 से 300 ml वो वापस आपके शरीर में बन जाता है। ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों की जिंदगी आप जैसे मैंने कहा बचा सकते हो। जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो पूरा ब्लड लेके उसको जो है पैथोलॉजी के डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन वगैरह मिलके उसको 4 पार्ट में, ब्लड बैंक उसको 4 पार्ट में तोड़ता है। और वो 4 पार्ट जो होता है, पहला पार्ट PRBC होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की अगर किसी को, यानी कि आपने सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह गया, या फिर किसी को थैलेसीमिया की बीमारी है, या किसी को ऐसी बीमारी जिससे खून नहीं बन रहा है, या प्रेग्नेंट लेडी है और उसने डिलीवरी की और बहुत ज़्यादा खून बह गया तो उसको खून की ज़रूरत है, तो आप जो है उसमें हीमोग्लोबिन उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो PRBC यूज़ करते हैं, पूरा ब्लड यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, तो वो आप यूज़ वहाँ हो जाता है। दूसरा आपने सुना होगा कि डेंगू जैसी बीमारियाँ हैं जहाँ प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो प्लेटलेट बन जाता है, तो एक आप वो उस प्लेटलेट से जिसको भी चाहे एक डेंगू बीमारी नहीं, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, तो आप जो है उसमें आप ब्लड प्लेटलेट यूज हो जाता है। इसके बाद आप जो है एक्सप्रेस फ्रोजन प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा को आप डोनेट कर सकते हो। अभी आपने सुना होगा कोरोना वायरस के जिनको जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना वायरस से, वो लोग जो है प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, ताकि जो लोग बीमार हैं, जो लोग कोरोना वायरस से वेंटिलेटर वगैरह पे या सीरियस डिजीज जिसको कोरोना वायरस, नॉर्मल लोगों को कोरोना वायरस अगर हुआ है उनको प्लाज्मा की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सीरियस है ओके वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसको कोरोना वायरस जो है वो प्लाज्मा को ज़रूरत पड़ती है तो वो डोनेट करते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाले जाते हैं, जैसे किसी को हीमोफीलिया वगैरह हुआ है और जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि आपको खून अगर किसी को कट उठ जाए या किसी वजह से ब्लीडिंग हो तो रुकती नहीं है, जैसे हीमोफीलिया या क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशेंसीज हैं, सो मेनी डिजीजेज हैं, तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है Factor 8, Factor 9 और फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर वो सारे जो है वो आपको यूज़ कर सकते हैं। तो 4 लोगों की ज़िंदगी आप हर 6 महीने सिर्फ ब्लड डोनेशन करके बचा सकते हैं। और एकदम दिमाग से निकाल दीजिएगा ये कि आपको जो है आप जो है ब्लड डोनेट कर सकते हो। अभी मैं हर साल ब्लड डोनेट करता हूँ और पिछले साल जो है 1 जुलाई 2019 को किया था, इस बार 1 जुलाई को तो जेल में था तो कर नहीं पाया, और यहाँ पे ठहरा था तो थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।